हे हेलो गाइस, तो कैसे हो सारे भाई लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप मैच मेकिंग कैसे कर सकते हो कोई भी यूट्यूबर के साथ। एंड ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे गाइस साथ भी नोनी भाई एंड कुछ मैच मेकर्स वाले बंदे। तो वो लोग गाइस बताएंगे आपको ट्रिक क्या है जिससे आप भी मैच मेकिंग करके कंटेंट निकाल सकते हो एंड कोई भी यूट्यूबर के अगेंस्ट में आ सकते हो। एंड गेम को जीतना हारना वो तो आपकी बात है, आपके ऊपर है वो सब, ठीक है। बाकी आप देखते रहो इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको प्रो बनना है तो, एंड लाइक कर देना गाइस। लाइक हम रखते हैं 38K लाइक्स, पहले भी रखता था 38K लाइक्स। अपने मैच मेकिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। टिप्स आपको साध्विक एंड नोनी भाई मिलके बताएंगे एंड कुछ मैच मेकर्स वाले बंदे, एंड लाइव मैच करके दिखाएंगे, लाइव मैच मेकिंग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तब आपको पता भी चल जाएगा कि मैच मेकिंग कैसे किया जाता है आखिर, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नोनी भाई एंड साध्विक भाई को दोनों को यहाँ पे बुला लिया हूँ ग्रुप में। अब इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि कैसे मैच मेकिंग प्रॉपरली किया जाता है। वीडियो को आप पूरा देखना वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल न्यू ट्रिक है जिनको नहीं पता मैच मेकिंग कैसे करते। बता दे क्या? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे अरे रुको भाई, पूरा देखना पड़ेगा तब पता चलेगा, नहीं सीधा आधा सुन के जाओगे तो नहीं लगेगा मैच। तो पूरा एकदम सब बता देंगे, अगर 150 रुपये पेटीएम कर देना, ठीक है। सद्विक भाई बोल दो, राज बोल दो सबको भाई थोड़ा थोड़ा करके। तो उसी बात में नोनी भाई बता दो भाई। पहली बात तो आपको देखना होगा सामने वाला यूट्यूबर का टीम पीसी प्लेयर एकदम होना चाहिए, तभी आपका टीम में भी पीसी प्लेयर होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल प्लेयर 4 PC प्लेयर का सामने नहीं जाएगा। तो पहला टिप्स ये है कि पीसी प्लेयर लेके पीसी प्लेयर के सामने जा पाओगे, चाहे एक हो चाहे चार हो, बस एक कम से कम आपका ग्रुप में होना चाहिए पीसी प्लेयर, ठीक है। समझ गया। हाँ ये बढ़िया। अब हम दूसरा बताते हैं कि जितना स्कोर सामने वाली टीम का हाईएस्ट स्कोर रहेगा, हाँ। जैसे एग्जांपल में उनके ग्रुप में 4 प्लेयर हैं, उनमें हाँ। से एक का है 90, एक का 91, एक का 93 और हाँ। एक का स्टार है 213, तो अपन हाँ। को भी 90, 91, 93 नहीं बुलाना होगा, सीधा 213 बुलाना होगा, मतलब सेम स्टार बुलाना होगा हाईएस्ट वाला, ठीक है। समझ गया। आगे और वैसे करण भाई आप कैसे गए जीवाई के सामने, हमें भी तो बताओ। मुझे एक टिप्स पता है, वो है स्टार का सेम होना जरूरी है, 5-6 स्टार तक चल जाता है ऐसा सुना था मैंने, बता दो थोड़ा सा स्टार और क्या क्या सीन रहता है भाई। स्टार का जो है ना, अगर आप किसी से लगाना चाहते हो तो दोनों का हाई स्टार सेम होना चाहिए, जैसे सद्विक भाई और तुमने बोला, बड़ा ज्यादा स्टार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 3-4 स्टार तक डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मान लो हाई स्टार है एक टीम में 300, तो आप पे 304 नहीं तो 296 स्टार इसका एकदम अगल बगल होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो दूसरा बंदा लगा के चले जाएगा जिनका उसका अगल बगल में होगा, एकदम क्लोज होगा, ठीक है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल तो स्टार दिखते हाँ, ही नहीं है। वो उनका स्ट्रीम पे जाके चेक करना पड़ेगा, जब वो मतलब उनका बुआ होता है ना तो वहां पर लिखा आता है स्टार। अच्छा 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 समझ गया। मान लो अगर स्टार मतलब जो लाइव कर रहा है उनका हाईएस्ट नहीं है, बाकी प्लेयर का है, तो उसका स्टार आपको पता नहीं चलेगा, तब आपको देखेगा उधर वो कितने नंबर पे चल रहा है। मान लो कोई 1000 नंबर पे है या 180 नंबर पे है, तो आपको दिमाग लगा के आपका भी प्ले लिस्ट में देखना होगा उतना 180 नंबर पोजिशन में आसपास में कौन है, फिर उसको बुला के आप उसका साथ मैच लगा सकते हो, क्योंकि स्टार नहीं दिखेगा बट आपको पोजिशन के हिसाब से तब लगाना चाहिए एक बंदा बुला के हाईएस्ट पोजिशन वाला साथ मैच करके। अच्छा ये होगा। अच्छा आजकल का मतलब अपडेट का बाद ये सीन हो चुका है, ठीक है। और बस पर सब कुछ सेट होने के बाद, रेडी होने के बाद कर दो साथ में गेम स्टार्ट और लग जाएगा आपके साथ कट कर देना है वो सब ठीक है। लेकिन UID का कुछ नहीं रहता क्या? पहले तो रहता था UID के साथ ही लगता था UID। हाँ UID होता है लेकिन उतना भी नहीं होता, आप रैंडम UID से भी ट्राई कर सकते हो। एक चीज इम्पोर्टेंट है बस, जो भी UID से स्टार्ट करो अगर कोई यूट्यूबर से लगाना चाहते हो उसका एस्टीमेट ऊपर में दिखता है, अगर उसका एस्टीमेट 10 आएगा तो आपका साथ मैच कभी नहीं लगेगा, अगर उसका एस्टीमेट 10 छोड़ के 15 आएगा, 16 आएगा या 20 आएगा तो आपका भी एस्टीमेट वैसे ही आना चाहिए, 15 आ गया तो आपका भी 15 होना चाहिए, 20 आएगा तो आपका भी 20 होना चाहिए। अगर आपका 10 आए और उसका 16 आए तो जिंदगी में मैच नहीं लगेगा, दूसरी टाइम पर आपको आपका एस्टीमेट को इंस्टेंट कैंसिल करके फिर से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर फिर से 10 जाएगा तो समझ लेना आपका इस आईडी का ग्रुप से उनसे मैच कभी नहीं लगेगा, तो फिर आप दूसरा बंदे को ग्रुप दे दीजिए उनको बोलो स्टार्ट करो, तो ऐसा करके आप मैच मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। समझ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई, ऑडियंस को समझ में नहीं आई, सिर के ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता सकते हो नोनी भाई? एग्जाम्पल मतलब आप किसी लाइव
यूट्यूबर से लगा सकते हाँ हो? नोनी भाई बताओ ना, आप तो लाइव पे मैच मेकिंग की हो बहुत बार। ठीक है करण भाई, ठीक है आप एक काम करो, इस वीडियो के बाद हम मतलब आपको लेके एक यूट्यूबर के सामने जाएंगे, आप उसका क्लिप इस लोगों को दिखा देना कैसे क्या हुआ, ठीक है फिर ऑडियंस को पता चल जाएगा। ठीक है तो क्या हुआ सर के ऊपर से क्या? अभी आपको एक लाइव मैच मेकिंग दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन टिप्स दिया ही नहीं, सबसे मेन टिप्स ये है आपको सेम टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा, और सेम टाइम पे स्टार्ट करने के लिए या तो उसका स्ट्रीम जो है 2x में देखना पड़ेगा या फिर उनको फ्रेंड लिस्ट में लेना पड़ेगा ताकि मैच मेकिंग देख सके। ठीक है तो अभी देखो गाइस यहाँ पे क्या होता। स्टार्ट स्टार्ट 18 का आया हमारा, उनका कितना का आया? लग भी गया लग गया लग गया। यहाँ पे सेम एस्टिमेटेड था 18 का, तो यहाँ पे एक यूट्यूबर से मैच लग गया आप देख सकते हो। ठीक है बाकी इनका स्ट्रीम मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ वरना आपको दिखा देता। बाकी उनका सेम एस्टिमेटेड था एंड सेम टाइम पे हम लोग स्टार्ट किए थे इसलिए लगा गेम।